तो ये देखना चाहिए कि कहाँ मिक्स हो रहा है, कुछ गड़बड़ है ना। तो ट्रस्टी बनेंगे, सब कुछ तेरा। अब देखिए मधुबन में हमें योग सहज क्यों है। मैं अगर जिस डिपार्टमेंट में हूँ, हमने ये शरीर भी बिगाड़ दिया, अकेले थे, मैगजीन होती थी, हम 10 रातों में 4 रातें फुल जागना पड़ता था क्योंकि अकेले बनाना होता था, सब काम अकेले करना होता था। हर 10 दिन में मैगजीन बननी होती थी 16 पेज, तो 10 दिन में कंप्लीट करना है तो 4 रातें फुल जागते थे। मैं कई बार 36-36 घंटे शाम को 5 बजे बैठा हूँ और दूसरे दिन रात को उठा हूँ। शाम को 5 बजे बैठे कंप्यूटर के आगे, बस नीचे बाथरूम है, चाय पी ली, बिस्किट नमकीन खा लिया, बस। ऐसी ऐसी सेवाएं बाबा ने कराई है, ये भाग्य है हमारा। लेकिन सब कुछ करते हुए, जिम्मेवारी से 24 घंटे वहां रहते हुए, एक सीडी भी मेरी नहीं। मैं कहूंगा मेरा ऑफिस है, मैं कह सकता हूँ मधुबन में, नहीं कह सकता, मैं कहूंगा मेरा कमरा है। तो क्यों मधुबन में हम सहयोगी हैं? क्योंकि सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है ना। तो जब तक हम ट्रस्टी नहीं बने हैं तब तक हम योगी नहीं बने। कोशिश कर लो, जब तक ये बच्चा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है, मेरापन जब तक है, बृहस्पति की दशा नहीं है, जब तक सब कुछ तेरा नहीं किया दिल से, कोई लिया नहीं आपका अकाउंट, प्रॉपर्टी चिंता मत कर, पता चले सब कुछ तेरा तो पता चले देना पड़ जाए, ऐसा नहीं है ना। तो बुद्धि से है ना, जब तक अर्पण नहीं किया है ना, तो बुद्धि से सब कुछ बाबा तेरा। भाई साहब रामनाथ भाई हमेशा कहते हैं, जिसको भी देखते हो, घर में बच्चे को देखते हो, पत्नी को, ये मेरा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा नहीं, ये आत्मा है बाबा, आपका बच्चा है।